मंडी जिला में ट्राउट मछली पालन कर लिख डाली सफलता की कहानी। देहर गांव में 5 लोग 2 बीघा बंजर भूमि में कर रहे 15 से 18 लाख की कमाई। 30 लाख रुपए से बनाए 12 ट्राउट रेसवेज। मत्स्य विभाग से मिला 11.60 लाख रुपए का अनुदान। मजबूत इरादों से यदि सही दिशा में प्रयास किए जाए तो सफलता अवश्य कदम चूमती है, भले ही परिस्थितियाँ कितनी ही विपरीत क्यों न हो। यह कर दिखाया है मंडी जिला की चचोट तहसील के देवधार क्षेत्र के एक छोटे से गांव देहर के 5 लोगों ने। प्रदेश सरकार ने युवाओं, किसानों, बागवानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए कई योजनाएं चला रखी है। इन योजनाओं का लाभ लेकर वे समृद्धि और खुशहाली की ओर अग्रसर हो रहे हैं। इनके लिए सरकार की योजनाएं वरदान साबित हुई है और यह सभी केवल 2 बीघा बंजर भूमि में ट्राउट मछली पालन करके सालाना 15 से 18 लाख रुपए की आय अर्जित कर रहे हैं। सरकारी अनुदान से बनाए हैं 12 रेसवेज। खेती बाड़ी पर निर्भर रहने वाले देहर के नेत्र सिंह को वर्ष 2018 में एक ट्राउट मछली पालक ने उनकी खट किनारे बंजर भूमि होने पर ट्राउट मछली पालन करने की सलाह दी, जिस पर अमल करते हुए नेत्र सिंह ने मत्स्य विभाग के अधिकारियों से संपर्क कर। मेरा नाम नेत्र सिंह है जी, मैं दड़ार गांव दड़ार का रहने वाला हूँ। तहसील ग्राम पंचायत की स्थित मंडी रहने वाला है। ऐसे खेती बाड़ी कर आए, मेरे 3 बेटे है, ऐसे इकट्ठा रहे हैं भी है। मेरी जमीन से ऐसे कमाए थे, जमीन अंदर जानवर वगैरह हुए जुआड़ कर आए, ऐसे थोड़े फिर भी अंदर रहे। फिर ऐसा जो गाँव थे या इधर उधर मछली पालन आ रही है, डिमांड मिली, फिर ऐसे मछली पालना काम शुरू किया। सब यहाँ से परिवार मिली जुली के नहीं, 2-3 साल अंदर से 10-12 टैंक मछली रे बनाए। फिर ये भेजा ऐसा रही मछली थे ठीक गंगा रही, साल 1.5 लाख रुपया की टैंक का ऐसा रही कमाई हुई जाए। ताई भी ऐसे मतलब अपनी रोटी भी ठीक खाया करें तो कुछ 10 रुपया अपने इधर उधर भी दिया करें, ऐसी स्थिति ठीक आई। मेरा नाम भी चंद है, मैं नेत्र सिंह का पुत्र हूँ, जो कि हम सारा परिवार जो ट्राउट फिश का फार्म का काम करते हैं। इससे हमारा मतलब ना, इससे पहले बाहर भी काम करता था, जिससे कि रोजगार भी कोई साधन नहीं, ना खेती से होता था ना कहीं किसी और चीज़ से। जब से हमें गवर्नमेंट से ये ट्राउट फिश फार्मिंग की स्कीम मिली है, उसके बाद मतलब कारोबार भी अच्छा चल रहा है, हमारी रोजी रोटी सही चल रही है, घर परिवार हमारा सही से, इनकम का सोर्सेज बढ़ चुके हैं, और मतलब हम मिलकर अब इस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं, तो अच्छा कारोबार चल रहा है। जिससे मतलब हम 20-22 लाख रुपये सालाना कमाते हैं, और जो भी इसकी डिमांड होती है हर जगह हम सप्लाई खुद लेके जाते हैं, और ट्राउट की डिमांड काफ़ी है, काफ़ी जगह इसकी डिमांड है। हालांकि आज की डेट में ट्राउट का मतलब पूरा ये नहीं हो पा रहा है, हमसे जितनी डिमांड मार्केट में उतना हम उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं। तो लोगों से भी ये राय करते हैं, जिनके पानी के साथ लगने वाली ज़मीन है, जो अपना ये काम कर सकता है, तो उस स्कीम से जुड़े। नीली क्रांति योजना के अंतर्गत ट्राउट मछली पालन के लिए अनुदान प्राप्त कर कार्य शुरू किया। नेत्र सिंह ने इसके बाद कुछ और लोगों को भी इससे जोड़ा और सभी ने 30 लाख रुपए व्यय करके 12 ट्राउट रेसवेज का निर्माण कर लिया। योजना के अंतर्गत इसके निर्माण के लिए 11.60 लाख रुपए का अनुदान मत्स्य विभाग ने दिया। 30 लाख रुपए का मछली आहार यूनिट कर लिया स्थापित। ट्राउट मछली पालन में नेत्र सिंह को महंगे मत्स्य आहार की समस्या सामने आई तो उन्होंने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का लाभ उठाते हुए 12 लाख रुपए के अनुदान से 30 लाख रुपए का लघु मत्स्य आहार यूनिट भी स्थापित कर लिया। वर्तमान में वे अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ ही क्षेत्र के अन्य ट्राउट मछली पालकों को भी सस्ती दरों पर गुणवत्ता युक्त मछली आहार उपलब्ध करवा रहे हैं। इसके साथ ही अन्य सदस्य ने मछली ढोने के लिए गाड़ी भी खरीद ली। मत्स्य आहार की लागत कम होने से अब वह ट्राउट मछली पालन तथा मत्स्य आहार बेचकर सालाना और अधिक आय अर्जित कर लेंगे। बड़े शहरों तक पहुंच रही है देहर की ट्राउट। नेत्र सिंह ने बताया कि उनकी ट्राउट मछलियों ने मंडी शहर के अलावा लुधियाना, चंडीगढ़ और दिल्ली जैसे बड़े शहरों तक भी पहुंच बना ली है। उनकी मछली की इतनी मांग है कि वह इसे पूरा नहीं कर पा रहे हैं। ट्राउट मछली पालन से और लोग जुड़ जाए तो परिवहन लागत कम होने से सभी के लिए मुनाफे का सौदा हो जाएगा। उन्होंने बताया कि मत्स्य विभाग समय समय पर उनकी पूरी तरह से मदद कर रहा है। सहायक निदेशक मत्स्य विभाग मंडी नीतू सिंह ने बताया कि देहर गांव में मछली पालकों को नीली क्रांति योजना के तहत आर्थिक सहायता प्रदान की गई थी। उन्हें ट्राउट रेसवेज के निर्माण के अलावा मछली पालन के पहले साल मछली बीज और आहार के लिए अलग से उपदान दिया गया।
उन्होंने बताया कि राज्य योजना के अंतर्गत मछली पालन के लिए तालाब निर्माण एवं प्रथम वर्ष में सहायता प्रदान करने के लिए 12.4 लाख प्रति हेक्टेयर पर 80% अनुदान के रूप में प्रदान किया जाता है। मंडी जिला में इस वित्तीय वर्ष में अब तक 763 नदीय मछुआरों ने मछली पकड़ने हेतु लाइसेंस लिए हैं। जिला में 96 परिवार मत्स्य पालन का कार्य कर रहे हैं और अच्छे मुनाफा कमा रहे हैं। मत्स्य पालन से युवाओं को जोड़ने का किया जा रहा प्रयास। जिला उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन ने कहा, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देश पर युवाओं को मत्स्य पालन से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मंडी जिला में कई खड्डों में पूरा साल पानी रहता है। इन खड्डों के किनारे मछली उत्पादन की व्यापक संभावनाएं हैं। उन्होंने बताया कि मत्स्य विभाग को सहकारिता विभाग से समन्वय बनाकर मत्स्य सहकारी सभाओं का गठन करने के लिए संभावनाओं को तलाशने के निर्देश दिए गए हैं। मंडी से समाचार फर्स्ट ब्यूरो की रिपोर्ट।